मुख्यमंत्री जी को बुंदेलखंड की बहुत चिंता है, ऐसा सिंचाई मंत्री ने कहा। इसके पहले भी मुख्यमंत्रियों को बुंदेलखंड की चिंता रही है, लेकिन पानी की राजनीतिक जंग में लोगों तक बहुत कम ही बूंदे पहुंच पाई है। झांसी के लहरगिर गांव के लोग हताश हैं। हैंडपंप में पानी नहीं है, नदी दूर है और टैंकर उनके यहाँ रुकती नहीं। जब टैंकर आते भी है तो वहाँ लोग ज्यादा पानी कम रहता है। जहाँ तापमान का पारा आसमान छू रहा है, वहाँ राजनीतिक वादों के बीच लहरगिर्द गांव के लोग पानी के इंतजार में हैं। क्या समस्या है आपके यहाँ पानी की? पानी की समस्या है कि पानी है ही नहीं है इस गांव में। एक हैंडपंप है, वही सूख गया। अब दूर जाते हैं, बाहर गांव से बाहर जाते हैं, पहुई नदी है, जैसे ये बैंकस कॉलोनी है, इधर जाते हैं तो वहाँ से कितना पानी ले आएंगे? दो बाल्टी ले आ पाएंगे वहाँ से? पूरा दिन इसी में चला जाता, ना आराम कर पाए तो फेरी में पानी पानी में लगे रहते। अभी आपने नहा भी नहीं पाए हैं? कहाँ नहा पाया, अब नहाने बैठ रहे थे, पानी ही नहीं है। वो भी आए देख रहे तो पानी नहीं है। आपके यहाँ टैंकर आते हैं? आते हैं तो टैंकरों पे लड़ाई होती है, भर नहीं पाते हैं। टैंकर तो आ रहे, एक टैंकर आने से कम 1000 बर्तन आ जाते पहले। आप गई हैं अभी कभी वहाँ, मतलब जल संस्थान गई हैं? अभी तो गए थे हमें, अभी एक हफ्ता हुआ। तो क्या कह रहे थे बोलो? हाँ आएगा आएगा, सुनाई होगी तुम्हारी। बस हर बार यही कहते थे और बस टाल देते हैं, भगा देते हैं। फिर कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, कोई सुनाई नहीं है अभी तक। कई साल से लगा रहे हम, छोटी बात नहीं करते, वो अंदर घुसने नहीं देते। जब लोग देखते भीड़ तो बस वही आते, उनके वो चपरासी, उनसे कह देते कि जाओ कह दो कि हाँ सुनाई होगी आपकी। मतलब अधिकारी खुद नहीं मिलते? खुद नहीं मिलते ना, वो खुद बात करते। तो आपके यहाँ पानी के टैंकर आते हैं? हाँ रोज रोज आना यहाँ से गुजरते हैं, पर उन लोगों को रोको तो रुकते रहेंगे, कहते हैं बस रुकेंगे, बस आस पड़ोस में थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल एक भी दिन अभी तक इस मोहल्ले में नहीं आता। यानी आपके मोहल्ले में नहीं आते हैं? हाँ बिल्कुल भी नहीं रुका अभी तक। फिर अभी आपके यहाँ क्या समस्या है पानी की? मतलब पानी नहीं, ये क्या दिक्कत है आपके यहाँ? पानी की इतनी बड़ी दिक्कत है कि हम लोगों को खुद दूर तक पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, स्कूल के लिए भी लेट हो जाते हैं, कभी कभी नहीं जा पाते हैं पानी के लिए। और पानी की इतनी समस्या है, पीने के लिए भी पानी दूर से लाना पड़ता है। आपके मोहल्ले में ऐसे कितनी घर है जितनी यहाँ नहीं आते होंगे टैंकर? जी समझ लो आप 15-20 घर तो होंगे। प्रधान जी कितने तक नहीं आ रहा टैंकर? सबको पैसों से पानी खरीदना? सबको, सब लोग पैसों से। पैसों से पानी क्या हिसाब से मिलता है? मतलब पानी वो डिब्बे के हिसाब से मिलता है, 10 रुपए का डिब्बा। 10 रुपए का डिब्बा मिलता है? तो आप लोग कितना खर्च करते हैं, कैसी रहती हैं? जैसे हम लोग घर से बाहर, तो हमें तो पानी ज्यादा लगता है। एक दिन में कम से कम एक टैंकर मान लो, तो सुबह से शाम तक। तो कितने रुपए लेते हैं? वही 300-400 रुपए एक दिन के। तो आप नलमल है नहीं हम लोग के यहाँ, बोरिंग है नहीं। तो फिर आपने अपने यहाँ पार्षद से बोला है पानी? पार्षद से बोला, पार्षद क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं 10-15 लोग किसान ग्राहक के लिए, ये कंजी फॉर्मेलिटी करो, वो फॉर्मेलिटी करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम डीएम से आज ही बात करेंगे। पानी के, पानी टैंकर की कोई कमी नहीं है, पानी सरफेस वाटर बहुत दे रहे हैं, और माननीय योगी जी बहुत चिंतित हैं बुंदेलखंड को लेकर।